नमस्कार, टेबल ट्रेट विद सुताबा में सबका स्वागत है। आज मैं परवल जैसे एक बोरिंग सब्जी का एक एग्जॉटिक ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली हूँ। पोटोले दोलमा, अ बंगाली डेलिकेसी। हिंदी ट्रांसलेशन करें तो भरवा परवल। इसके लिए हमें बहुत बड़ा और मोटा साइज़ का परवल चाहिए। ऊपर से ये कैप हटा के वेजिटेबल पीलर से ये अंदर वाला सारा सीड निकल लेना है और ये ऊपर वाला जो कैप है ना, इसको फेंकना नहीं है। अब इन सारे परवल को हमें डीप फ्राई कर लेना है। 2-3 मिनट तक हाई हीट में हमें डीप फ्राई करना है ताकि वो बाहर और अंदर दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। हमें इस स्टेज में परवल को 100% पका लेना है। और परवल के अंदर बहुत पानी होता है तो तेल बहुत छींटा मारता है, तो इसलिए 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। अब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन हमने काट के रखे थे उसको भी हमें डीप फ्राई कर लेना है सेम तरीके से। अब फिलिंग के लिए 1 बड़ा चम्मच घी डालना है और उसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून जाए फिर हमें इसमें 200 ग्राम पनीर को क्रम्पल करके डाल देना है। मैंने 1 बॉयल्ड आलू को डीप फ्राई करके डाला है, पर ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो खाली पनीर का भी बना सकते हैं। आलू और पनीर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और भुनी कुटी जीरा डाल देना है और इन सबको बहुत अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक मीडियम हीट में पका लेना है। फिर हरा धनिया स्प्रिंकल करके इसको ठंडा कर लेना है। अब पनीर के स्टफिंग को हमें परवल के अंदर भरना है और जेनरसली स्टफिंग कीजिए। स्टफिंग को थोड़ा थोड़ा प्रेस करके और थोड़ा स्टफिंग इसके अंदर डाल देना है, एकदम ऊपर तक स्टफ हो जाए। फिर वो जो हमने कैप को फ्राई करके रखे थे उससे हमें इस ढक्कन लगा देना है बस। अब करी के लिए पैन में 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल लिया है। बंगाली खाना है तो सरसों का ऑयल ही यूज़ होगा, पर आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून जीरा और 1 दालचीनी, 2 इलायची और 3 लौंग डाल के इसको थोड़ा सा भून लेना है। फिर 1 मीडियम साइज़ के प्याज को एकदम पेस्ट बना के इसको डालना है और बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज फ्राई करने के टाइम ही स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं आप, इससे प्याज बहुत जल्दी पक जाता है। प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए फिर इसमें हमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और दोनों को अच्छी तरह से भून लेना है ब्राउन होने तक। अब ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, स्वादानुसार लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। इन सबको बहुत अच्छी तरह से प्याज के साथ मिला लेंगे और साथ में 2 टेबलस्पून करीब पानी डाल देंगे। मसाला तेल छोड़ने लगे तो फिर इसमें हमें 1/2 कप फैटी हुई दही मिला देना है और तुरंत ही इसको स्टर करना शुरू कर देना है। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे पिक्चर थोड़ा सा ब्लर हो गया था। लो हीट में दही के साथ मसाले को 1-2 मिनट तक पकाना है। फिर इसमें हमें 2 टेबलस्पून काजू का पेस्ट ऐड कर देना है और इन सबको 2-3 मिनट तक भूनना है क्योंकि काजू दही दोनों ही कच्चा है। एक दो मिनट के बाद वो मिक्सी को धो के 1 टीस्पून पानी डाल दिया इसमें।
फिर 1 मिनट तक इसको लो हीट में भुनना है। और दही से जैसे तेल उजाउट होने लगा, फिर हमें 1/2 कप और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अब 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। फिर एक उबाल आ जाए, हमें सारा वो स्टफ्ड परवल इसके अंदर ऐड कर देना है। अब बेफिक्र होके परवल को ग्रेवी के साथ थोड़ा अलट पलट लीजिए, अंदर से स्टफिंग नहीं निकलेगा। कवर करके 10 मिनट तक लो हीट में पकाएंगे और बन जाएगा हमारा पोटोलेर दोलमा। इसको आप चावल, रोटी, परांठा, पुलाव किसी के साथ भी खा सकते हैं।